सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक हिंदी YouTube चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। लॉयड ऑल्सन अमेरिका के कोलोराडो शहर का एक किसान था जिसके एक मुर्गे का नाम माइक था। माइक एक ऐसा मुर्गा था जिसका सर काटे जाने के बावजूद वो मरा नहीं बल्कि 18 महीनों तक जिंदा रहा। इस चमत्कार के पीछे एक वैज्ञानिक कारण था। इस बात की सत्यता की पुष्टि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ उटा ने भी की थी। 10 सितंबर 1945 के दिन लॉयड ऑल्सन कोलोराडो स्थित अपने घर पर अपनी बीवी और सास के साथ डिनर की तैयारी कर रहा था। उस दिन चिकन बनाने का प्लान था, सो लॉयड की बीवी ने उससे कहा, एक मुर्गा पकड़ कर ले आओ। लॉयड के पास कई मुर्गे थे, जिनमें से उसने माइक नामक 5.5 महीने के मुर्गे को पकड़ा। मुर्गा काटते समय सबसे पहले सर काटा जाता है और यही लॉयड ने भी किया। जब लॉयड ने अपनी तेज कुल्हाड़ी माइक पर चलाई तो उससे थोड़ी सी चूक हो गई। माइक नाम के उस मुर्गे का सर कटकर अलग तो हो गया, लेकिन उसका एक कान, ब्रेन स्टेम और जगुलर वेन नामक मुख्य नस कटने से बच गई। मुर्गा खड़ा हो गया और लड़खड़ा कर चलने लगा। लॉयड की चूक की वजह से मुर्गे के दिमाग के कुछ हिस्से बच गए थे। मुख्य नस ना कटने से ज्यादा खून भी नहीं बहा और माइक अपने दोनों पैरों पर सही सलामत संतुलन बनाए खड़ा रहा। इसके बाद माइक ने बांग देने की कोशिश की तो आवाज बांग जैसी ना होकर गुड़गुड़ाने जैसी आवाज होती थी। माइक इधर उधर चलने लगा और उसने दाना चुगने की कोशिश भी की। लॉयड को मुर्गे पर दया आ गई, उसने मुर्गे को ना मारने का निर्णय लिया। एक आई ड्रॉपर की मदद से वो मुर्गे को दूध पिलाने लगा और मकई के छोटे छोटे टुकड़े खिलाने लगा। जल्द ही ये अजूबा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से यह करिश्मा देखने आने लगे। लॉयड एक ऐसी मनोरंजन कंपनी से जुड़ गया जो कि घूम घूम कर अजीबोगरीब जानवरों के शो दिखाती थी। माइक मुर्गे को देखने के लिए 25 अमेरिकी सेंट का टिकट लगता था। दर्जनों अखबारों, लाइफ और टाइम जैसी सुप्रसिद्ध मैगजीनों में लॉयड के इंटरव्यू और माइक के फोटो छपने लगे। जिन दिनों माइक मुर्गे की प्रसिद्धि चरम पर थी उस समय लॉयड हर महीने $4,500 जो कि आज के 30 लाख रुपए के बराबर है की कमाई कर रहा था। उस समय माइक मुर्गे की कीमत करीब $10,000 जो आज के 85 लाख रुपए हैं लगाई गई थी। मार्च 1947 के एक दिन लॉयड अपने मुर्गे माइक को लेकर एक शो से लौट रहा था। फीनिक्स के पास एक मोटेल में वो लोग रात्रि विश्राम कर रहे थे। अचानक आधी रात को माइक का दम घुटने लगा। मुर्गे के गले में मकई का एक बड़ा दाना अटक गया था और लॉयड से अनजाने में मुर्गे को खिलाने और साफ करने वाली सिरिंज शो वाले स्थान पर ही छूट गई थी। माइक को बचाया नहीं जा सका और आखिर सर कटने के 1.5 साल बाद दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। माइक मुर्गे के पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके दिमाग का जो हिस्सा बच गया था वो उसके शरीर के बेसिक क्रियाकलाप जैसे सांस लेना और हृदय गति आदि चलाने में सक्षम था। क्योंकि माइक मुर्गे का शरीर सही काम कर रहा था अतः मुर्गा एकदम स्वस्थ बना रहा। माइक मुर्गे पर कई फिल्में बनी, कई कार्टून सीरीज में सिर कटे मुर्गे का रोल दिखाई दिया। आज भी कोलोराडो में माइक द हेडलेस चिकन डे मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।